उत्तर प्रदेश के बिजनौर में राशन डीलर के घर में अचानक से आग लगने के कारण घर में रखा सामान धू धू कर जलने लगा। पता लगा कि अचानक से सिलेंडर में आग लगने के कारण ये आग घर में लगी है। वहीं घर में रखा दूसरा सिलेंडर भी फट जाने के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया। इस विकराल आग के कारण आसपास के 200 मीटर के दायरे को पुलिस द्वारा सील कर दिया गया है। इस आग की चपेट में कोई भी न आए, इसके लिए घर के आसपास किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। वहीं विकराल आग लगने के कारण लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। बिजनौर के थाना अफजलगढ़ के गोहर अली खां मोहल्ले में राशन डीलर शफीक के घर में अचानक से सिलेंडर के लीकेज होने के कारण आग लगने से घर में रखा सभी सामान जलकर खाक हो गया। वहीं दूसरा सिलेंडर भी आग की चपेट में आने के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया। आग के विकराल रूप लेने के कारण आसपास के मोहल्ले के मकानों को पुलिस द्वारा खाली करा दिया गया है। आग की लपटें इतनी तेज थी कि 200 मीटर के दायरे को पुलिस द्वारा सील कर दिया गया। इस आग की चपेट में कोई भी ना आए, इसके लिए पुलिस द्वारा किसी भी व्यक्ति को मकान के आसपास नहीं जाने दिया जा रहा है। वहीं मोहल्ले के लोगों का कहना है कि सूचना के बाद भी घंटों बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। आग ने इतना विकराल रूप ले रखा है कि यहाँ पर कह पाना मुश्किल है कि कुल कितना नुकसान पीड़ित को हुआ है, लेकिन इस विकराल आग से राशन डीलर का घर में रखा सभी सामान जलकर खाक हो गया है। मौके पर चेयरपर्सन पति सलीम अंसारी सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। मैं रमेश चंद पवार, मोहल्ला गौरहली का अफजलगढ़। यहाँ सफीक डीलर के घर पता नहीं किन कारणों से आग लगी है और आग बहुत भयंकर है, जिसे नगर पालिका की तरफ से पूरा प्रयास करके बुझाने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी अभी तक यहाँ नहीं पहुँची है। पुलिस विभाग भी बहुत मौजूद है, बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस बल भी मौजूद है। क्या लगने का कारण होगा पता नहीं चला, किस कारण से आग लगी है। आग बहुत भयंकर है, मौजूद थे लेकिन दो में आग लग के दो फट चुके हैं, दो के बारे में सुना गया है, बकाया है अभी। ठीक। दो दिन पूर्व बिजनौर में सड़क किनारे एक बुजुर्ग का गोली लग सब मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने आज हत्या का खुलासा करते हुए चार अभियुक्त की गिरफ्तारी की है। पुलिस ने चारों अभियुक्तों के पास से अवैध तमंचा व जिंदा कारतूस और दो बाइकें बरामद की है और चारों अभियुक्तों को जेल भेजने की कवायद में जुट गई है। आपको बता दें, बिजनौर के मंडावली थाना क्षेत्र के गांव राजपुर नवादा के पास अमर सिंह नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद एसपी ने दो टीमों का गठन किया था। एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक के बेटे व आरोपियों की मिलीभगत से 307 की घटना को अंजाम देकर किसी और पर आरोप लगाने की नीयत से इन्होंने गोली चलाई, जिससे गोली गलत जगह लग गई और अमर सिंह की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। चारों अभियुक्तों ने योजनाबद्ध तरीके से घटना को अंजाम दिया था। हत्या का मुख्य आरोपी चरण ने पूछताछ में बताया कि मृतक अमर सिंह एससी समाज से है, जिसके बाद घटना को अंजाम देने के बाद मृतक को सरकार द्वारा मिलने वाली रकम भी आधी बांट ली जाती है। फिलहाल किसी और पर आरोप लगाने की नीयत से चलाई गई गोली ऐसी जगह लगी कि अमर सिंह की मौत हो गई, जिसमें चारों अभियुक्त फंस गए। अपने ही किए कांड में फंसे चारों अभियुक्तों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। फिलहाल चारों अभियुक्तों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। चार तारीख को लगभग 8:30 बजे मंडावली थाने के राजपुर नवादा गांव के पास में अमर सिंह नाम का एक व्यक्ति छर्रे से घायल हुआ, डेड बॉडी मिली थी। पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया गया। जांच पड़ताल से मालूम हुआ कि मंडावली से 50 किलोमीटर दूर कोतवाली थाना क्षेत्र के झलरी गांव से एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल पर लेकर के गया था। उसने अपने ससुराल वालों से, जो बढ़ापुर थाने का था, 307 IPC को होस्टाइल कराने के लिए और बदला लेने के लिए, यानी उसकी पत्नी राजेश नाम के व्यक्ति से ब्याही है, चली गई दो बच्चों के साथ में, ये पूरा घटनाक्रम किया। इसमें मृतक अमर सिंह की भी सहमति थी, उसका बेटा भोला सिंह भी 120B का मुलजिम है। कारण ये था कि ये शेड्यूल कास्ट के अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो आर्थिक सहायता मिलता उसकी धनराशि का बंटवारा करते और नामजद FIR राजेश वगैरह उनके खिलाफ कायम कराते, लेकिन 307 करने की उनकी योजना थी। गलती से गोली ऐसे जगह लग गई कि 1-302 में चेंज हो गया और हत्या हो गई।
पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश किया गया और चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, जो चारों अभियुक्त एक ही गांव के झलवी के रहने वाले हैं। बिजनौर में 31 मार्च को एक युवक का शव साइफन नहर में पड़ा हुआ मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। नहर में शव मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। वहीं आज इस घटना का खुलासा करते हुए स्वाट टीम और पुलिस ने मृतक की प्रेमिका सहित उसके पति को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल बिजनौर के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के गोसपुर रोड पर साइफन नहर में 31 मार्च को शेरकोट थाना क्षेत्र निवासी अमित का शव मिलने की सूचना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी, जिसके बाद घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और बिजनौर पुलिस अधीक्षक द्वारा घटना की जाँच में स्वाट टीम व सर्विलांस टीम को लगाया गया था। इसी कड़ी में आज स्वाट टीम और थाना कोतवाली देहात पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए मृतक अमित की प्रेमिका अफसाना और उसके पति मेहताब को हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस घटना में पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने बताया कि अमित के अवैध संबंध अफसाना के साथ थे। अफसाना के पति मेहताब को अवैध संबंधों का पता चलने पर मेहताब ने अपने पत्नी अफसाना के साथ मिलकर अमित को होली के दिनों घर बुलाकर उसे शराब पिलाकर नहर में फेंक दिया था, जिस कारण नहर में पड़े रहने के दौरान अमित की सांस घटने से मौत हो गई थी। फिलहाल पुलिस ने प्रेमिका व उसके पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हरेली का अमित नाम का एक व्यक्ति, जिसकी डेड बॉडी कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में नहर साइफन में मिली थी होली के समय, पंचायतनामा पोस्टमार्टम के बाद मृत्यु का कारण ड्राउनिंग आया था, लेकिन जब इसकी मोटरसाइकिल घटनास्थल से काफ़ी दूर शेरकोट थाना के हरेली क्षेत्र में मिली तो पुलिस ने जांच पड़ताल किया और उसके बाद ये पता चला कि अमित का संबंध या उसकी नज़दीकियां एक अफसाना नाम की महिला के साथ था, जो उसके पति को शक था, डाउट था। होली के दिन शराब पीने के बहाने उसको बुलाया गया और दोनों ने साजिश रच करके उसको मारपीट किया, बेहोशी की हालत में उसे नहर में डाल दिया, लेकिन कुछ जिंदा था। पानी में डालने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। घटना का अनावरण हुआ है, अभियुक्तों ने अपराध को कबूल किया है, मोटरसाइकिल को बरामद किया है, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में आज बिजनौर में नामांकन प्रक्रिया सुबह 8 बजे से लेकर जारी है, जो कि शाम 5 बजे तक चलेगी। नामांकन प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 के गाइडलाइंस का पालन नहीं होता दिखाई दे रहा है। प्रत्याशी अपने कई समर्थकों के साथ नामांकन कराने के लिए बिजनौर कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंच रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। पुलिस द्वारा प्रत्यक्षदर्शियों के साथ आई भीड़ को बैरिकेडिंग पर रोक दिया जा रहा है। आपको बता दें, आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और BDC मेंबरों का चुनाव लड़ने के लिए अपना अपना नामांकन कराया जा रहा है। नामांकन प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया आज 7 अप्रैल और 8 तक चलेगी। प्रत्याशी अपने अपने नामांकन पत्र को लंबी लंबी लाइनों में लगाकर जमा करा रहे हैं, जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता दिख रहा है। प्रशासन लगातार सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का प्रयोग करने के सख्त आदेश दे रहा है। प्रत्याशी अपने कई समर्थकों के साथ नामांकन कराने के लिए बिजनौर कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंच रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। पुलिस द्वारा प्रत्याशियों के साथ आई भीड़ को बैरिकेडिंग पर रोक दिया जा रहा है। समाचार इंडिया के लिए बिजनौर से तुषार वर्मा की रिपोर्ट।